गुड मॉर्निंग लेडीज। शैल वी? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रही हैं आप मुझे? अच्छा चलो ठीक है, मैं मानती हूं मैं पहली बार सर्व कर रही हूं आप लोगों को। परवाह है मुझे आप लोग, कल से कुछ खाया ही नहीं आप लोगों ने। चिंता है ना, तो फिर घर में जो हो रहा है ना उसे ठीक करिए। रोशनी हमेशा सैम के पीछे पड़ी रहती, हमेशा उसे नीचा दिखाती रहती, और रोशनी तो क्या, अब तो सिड भी। सिड तो राजवीर की हिस्ट्री जानने के लिए ऐसे पीछे पड़ा हुआ है जैसे कि वो इस घर का जमाई है ही नहीं, किसी रास्ते का ना गुंडा हो। क्या ये ठीक है दीदी? नहीं, ठीक बात नहीं है। अब मैं सिद्धार्थ से जरूर बात करूंगी। मोना दीदी देखिए, जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातें भूल जाइए ना उन्हें। मैं सब बच्चों से बात करूंगी और ये मैटर जरूर रिजॉल्व हो, आई प्रॉमिस। कितने दिनों के बाद तो हम सब एक साथ आए हैं और फिर भी केसर हमारे साथ नहीं है। मैं जानती हूँ एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन बहुत बुरा लगता है जब वो मेरे साथ नहीं होता। मैं अपनी फैमिली को और टूटते हुए नहीं देख सकती, इतने सालों तक देख लिया ना बस। मुना दीदी, हम हमेशा एक छत के नीचे रहे हैं, लेकिन एक परिवार की तरह नहीं। इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ रहिए। इस परिवार को बांधने में मेरी मदद कीजिए ना।